भारत माता की जय। जय श्री राम। सभी भाइयों को, सभी हिंदू भाई, जितने भी साथी, जितने भी भाई आज इस वीडियो से जुड़ेंगे, मेरा एक सभी से निवेदन है कि जो भी आज मैं इस वीडियो में कहूँगा उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श आप ज़रूर करें। आप सभी जितने भी लोग ये लाइव वीडियो देखेंगे, भाइयों, इस देश का माहौल क्या चल रहा है अभी? हमारे भारत देश का जो माहौल चल रहा है वो उजागर करने के लिए मैं आप सभी के बीच में आया हूँ, आज लाइव आया हूँ आप सभी के बीच। जो हमारे देश का जो माहौल है साथियों, अभी हाल फिलहाल में पेपर में एक न्यूज़ आई है, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है, एक मिथा नाम का कुत्ता है पाकिस्तानी, पाकिस्तान का मिथा नाम का एक कुत्ता है साथियों। उस कुत्ते का यह बयान है कि इस्लाम में वंदे मातरम खिलाफ है, और उसका ये भी बयान है कि इस्लाम में हिंदू लड़कियों को, हिंदू धर्म की लड़कियों को उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवाना, उनसे शादी करना एवं उनसे बच्चे पैदा करने, ये भी इस्लाम में लिखा हुआ है। ये उस मिथा कुत्ते का बयान है। और उसकी एक बार तो शादी हो चुकी है और वो एक और बार कह रहा है कि हमें एक और बेगम चाहिए, वो भी हिंदुस्तानी, हिंदू लड़की। तो उस मिथा कुत्ते को पहले मेरा जवाब है कि सुन वे मिथे, मीठे नहीं तो सारू, तू मीठे है, तुम सारे के सारे मीठे हो। और अपनी औकात में रह के बात करना, अपनी औकात में रह के बात करना, ज़्यादा हवा में मत उड़। हिंदुस्तानी लड़की चाहिए तेरे को, हिंदू लड़की चाहिए, तेरा बाप रख के गया था, तेरा बाप रख के गया था क्या बे? तेरी औकात क्या है जो तुझे हिंदुस्तानी, तेरे को हिंदू लड़की चाहिए हैं? तेरी उम्र क्या है, उम्र क्या है तेरी? अब तो साला चल भी नहीं सकता होगा तू ढंग से, और तुझे हिंदुस्तानी लड़की चाहिए, एक और शादी करनी है? अपनी औकात में रह के बात कर बेटा, ज़्यादा हवा में मत उड़, नहीं तो जिस दिन सनक गई ना साले, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। तेरे लिए तो छोटा बच्चे ही काफ़ी, हमारा एक चाटे में तो साले पेंट गीली कर देगा तू, है ना? ये जो ऊंचा पजामा ये नीचा ला देंगे हम, हिंदू लड़की से शादी करेगा, करके दिखा देंगे। तेरे पूर्वजों में और तेरे में दम रहा हो तो करके दिखाना। और उसने का ये भी बयान है कि हमारे पूर्वजों ने भी किया है और हम भी करेंगे, तो करके बता देना तू, अगर तेरे पिछवाड़े में दम होना तो करके बता देना तू। और अब दूसरा साथियों, कि कल मुंबई के 49 हस्तियों ने, अब मैं तो कहता नहीं इनको हस्तियां, ये तो गली के कीड़े होंगे, 49 लोगों ने, 49 लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है साथियों। और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो मॉब लिंचिंग हमारे हिंदुस्तान में हो रही है उसके ऊपर वो लेटर लिखा हुआ है। और उसमें उन सब ने ये भी कहा है कि मुस्लिम, मुसलमान, दलित और गरीब लोग जय श्री राम के जो नारे लगाते हैं, वे लोग मुसलमानों पर, दलितों पर और गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार पीट रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करके उन्हें मार रहे हैं। तो उन 49 जितने भी लोग हैं उनको मेरा ये जवाब है कि जब तमिलनाडु में हमारे हिंदू भाई राम लिंगम की हत्या की गई, यूपी के मथुरा में भरत जी यादव की हत्या की गई, एवं ऐसे अनेकों केस है जहां पर हिंदुओं की हत्या की गई, उसमें आप लोगों ने तो कोई लेटर नहीं लिखा, उसमें तो आपने कोई विरोध नहीं किया, और अब कह रहे हो कि जय श्री राम वाला हिंसक नारा है। जिस दिन जय श्री राम का नारा हिंसक बन गया ना, इस हिंदुस्तान में दिखाई नहीं दोगे, ये बात ध्यान रखना, इस हिंदुस्तान में दिखाई नहीं दोगे जिस दिन जय श्री राम का नारा हिंसक बन गया। अभी तो हमने हिंसा शुरू नहीं की है, जिस दिन हमने हिंसा शुरू करी ना उस दिन भागते फिरोगे, ये बात ध्यान रखना। आप सभी से मेरा निवेदन है इस पे विचार विमर्श करें।
एवं इस चीज को साथियों आगे बढ़ाए, और ये चीज आप सभी याद रखें कि अगर हम इन्हें अभी भी जवाब नहीं दे सकते तो हमारा कुछ मतलब नहीं है। यही आप सभी के बीच कहना था। भारत माता की जय। जय श्री राम।